नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ भर्ती 2018 की कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको 2013 और 2015 की जो कट ऑफ है वो दिखाएंगे, उसके अनुसार आपकी 2018 की कट ऑफ रहेगी वो भी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको 2013 की जो कट ऑफ है वो ये देखिए दोस्तों, 2013 की कट ऑफ, इसमें जो तीन पार्ट आए थे, एक रीजनिंग, एक मैथ और एक जनरल अवेयरनेस का आया था। इसमें से रीजनिंग में 35 क्वेश्चन थे और मैथ में 35 और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन थे। इसमें से आपको रीजनिंग में 23 नंबर लाने थे और मैथ में 20 नंबर लाने थे और जनरल अवेयरनेस में 23 नंबर लाने थे। इसमें माइनस मार्किंग 1/4 थी, यानी चार क्वेश्चन आपके गलत होने पर आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। तो इसकी जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 66 रही थी, 66 इसकी आपकी जो कट ऑफ है वो इसकी रही थी। अब आपको दिखा देते हैं 2015 की जो कट ऑफ है वो दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों 2015 की कट ऑफ, तो दोस्तों ये 2015 की कट ऑफ है। इसमें जो रीजनिंग के थे वो 35 क्वेश्चन है वही आए थे, मैथ के भी 35 आए थे और जनरल अवेयरनेस के 50 आए थे। इसमें से आपको रीजनिंग में 25 नंबर लाने अनिवार्य थे, मैथ में 23 नंबर लाने अनिवार्य थे और जनरल अवेयरनेस में 27 नंबर लाने अनिवार्य थे। माइनस मार्किंग वही 2013 वाली रही थी 1/4, तो इसमें आपके जो टोटल इसकी कट ऑफ रही थी वो 75 रही थी, यानी इसकी 75 इसकी कट ऑफ रही थी 2015 की। अब आपको दिखा देते हैं कि जो 2018 की जो कट ऑफ रही थी वो कट ऑफ क्या रही थी। तो इसमें सेम वही है कि इसमें तीन पार्ट होंगे और वही 35 नंबर का आएगा। समझ लो ये 2018 की कट ऑफ, अब आपको बता देते हैं मैथ के भी इसमें 35 आएंगे और जनरल के इसमें 50 आएंगे। इसमें जो ये अब की बार जो आपको इसमें जो नंबर लाने हैं वो लाने हैं, रीजनिंग में आपको 30 नंबर लाने हैं और जो मैथ है उसमें आपको 22 नंबर लाने हैं और जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको 35 लाने हैं। तो टोटल आपको लाने हैं इसमें 87% इसकी कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो दोस्तों यही आपकी इसमें कट ऑफ रहनी है। सही, आपको इसमें 30 की जगह यदि 29 पे आया गया तो आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 87 अब की बार ये कट ऑफ रहेगी। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।